गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत किरारी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत टाइम बाद में आप लोगों को मेरे चैनल पे फिर से वेलकम कर रही हूँ। तो इसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो क्या था ना, मैंने मेरे जो पिछले वाले सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत पहले वाले सब्सक्राइबर, उनको पता होगा, जो मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं डेली ब्लॉग डालूँगी। पर फिर मैं डाल भी रही थी, ऐसी बात नहीं मैं नहीं डाल रही थी, मैं डाल रही थी, डेली ब्लॉग डाल रही थी। फिर पता ही क्या हुआ, मैं डालती गई ब्लॉग और मैंने देखा नहीं। मैं सिर्फ एडिटिंग जब करती हूँ तो मैं पूरा ब्लॉग देख के फिर जाके अपलोड कर देती हूँ, और फिर मेरे सब्सक्राइबर कम होने लगे और जो लाइक आता वो भी, जितना बचा कुचा लाइक आता है वो भी कम हो रहा था, और कमेंट वो तो ना के बराबर हो गया था बिल्कुल ही, जो आप लोग करते भी नहीं हो तो वो बिल्कुल ही हो गया था, कम हो गया था। फिर मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक बार ब्लॉग देख लेती हूँ पूरा। फिर मैंने जो पिछले वाले ब्लॉग थे वो सब कुछ देख लिया। फिर मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की कि हर चीज़ हर दिन एक जैसा ही सेम रूटीन हो रहा है। तो मैंने सोचा यार कुछ दिन मैं थोड़ा सा मतलब गैप डाल देती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा अगर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सच मानो तो इन दिनों बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज ऐसा कि है सोच रहे होंगे आप लोग, तो ऐसा आज भी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो पर ये था, ये मतलब एक रीज़न है बताने के लिए। तो कल है मंडे, तो कल लगेगा लेंटर, वैसे तो आज लगने वाला था संडे में, और आज का मौसम बिल्कुल ही ख़राब है। 3-4 दिनों से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। तो कल का मौसम वैसे नेट पर देखा था क्लियर है, मतलब ठीक है मौसम, तो कल लेंटर लगा सकते हैं। तो इसलिए बाकी यार सेटरिंग का काम पूरा हो गया है, और बस सरिया कल काट के गए थे मिस्त्री, आज सरिया लगा देंगे, सरिया बिछा देंगे और कल लेंटर लग जाएगा। और एक और बात, आज हस्बैंड भी दिल्ली से आ रहे हैं, तो वो अभी हमीरपुर पहुँचे, तो उनकी बस सुबह 7 बजे पहुँच गई थी। अभी टाइम हो रहा है तो अभी 8:30 के टाइम हो रहा है, तो मतलब हमीरपुर से तो निकल गए होंगे, अब पहुँचते ही होंगे वो भी। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। तो ये बैंगन जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारे क्यारी की बैंगन है, मतलब हमारी खेत की बैंगन है, ये हमारी खेत की तो ऐसा ऐसा कुछ है। और पूरा दिन में आज क्या क्या रहेगा वो तो मैं पूरा मैं नहीं बता सकती, शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े डाला हुआ था और लाइट नहीं है। कल रात से मैंने सोचा लाइट आ गई और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिया, और वो भी पता नहीं धुलेगा कि नहीं धुलेगा बाकी। और मेरे फ़ोन में भी बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, जितना कुछ है उससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बाकी अगर लाइट आ गया तो मैं आगे शेयर करूँगी, और बाकी बहुत कर रही हूँ, और देखते क्या क्या रहेगा दिन में, और कुछ भी होगा वो शेयर करूँगी जितना भी बैटरी है उससे। और अभी मैं फिर नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएंगे तो उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं आपको मिलूँगी मेरे हस्बैंड आने के बाद, तो हस्बैंड तो बहुत पहले आ गए थे घर पे। तो अब मैं ये क्या कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे तो मैं ये डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और ये है टमाटर, और इतने सारे टमाटर का मैं क्या करूँगी। वैसे आज का डिनर जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ, वो आज हमारे स्पेशल कुक बना रहे हैं, तो आपको लग जाएगा पता कि वो कौन है हमारे स्पेशल कुक। तो चलिए देखते हैं कौन है। तो गाइस ये वो सामान है जो कल मिस्त्रियों के लिए खाना बनेगा, सब्जी वगैरह जो भी रहता है दुकान से वो लेके आए हैं आज ही, क्योंकि कल इतना टाइम नहीं रहेगा किसी को भी मार्केट जाके कुछ सामान लेके आए। और चलते हैं कुकमैन की तरफ, ये सारा सामान उन्हीं ने मंगवाया मेरे से। और कुकमैन कौन है आपको भी लग जाएगा पता, ये है मेरे हस्बैंड। तो आज का डिनर हमारे हस्बैंड बना रहे हैं, हमारे नहीं मतलब मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो ये जब भी घर आते हैं तो एक हेल्प तो हो जाता है कि मेरा काफ़ी हेल्प कर देते हैं, और परी पड़ी पढ़ाई कर रही है और ऋषि अपने पापा की हेल्प। तो मुझे बोला गया था कि मैं आग जलाऊँ, तो बस मैं आग जला रही हूँ, और मैं मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर के बाद। गुड इवनिंग, तो अभी टाइम हो गया 7:30 का, और हस्बैंड अभी इस पर चढ़ा के चले गए हैं, और अभी फर्स्ट 1 सिटी आ गया इस पर, और अभी सनसेट हो रहा है। तो मैं आपको एक बार सनसेट दिखा देती हूँ कितना ब्यूटीफुल से लग रहा है। अभी मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जितनी बारिश हो रही है। तो
बनाते हुए तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोड़े से शाय किस्म के आदमी हैं, थोड़ा शर्माते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं बनाते हुए तो नहीं दिखा पाई। और बाकी अभी चावल मेरा तैयार है और बस मटन हो गया है तैयार, बस और एक और चीज़ ये भी तैयार है और बस अब मम्मी बनाएगी मक्की की रोटी। हाँ जी और हाँ पर याद दिला रही है कि इसको छुट्टियाँ पड़ गई थी, 25 तारीख को ही पड़ गई थी और आज 3 तारीख है, तो मैं पहले प्यारी हो गई है इस टाइम, लाल 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 सा धूप हो गया, बहुत प्यारा सा मौसम हो गया, हरा भरा हो गया सब कुछ। कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, सूखा 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 हर जगह सूखा सूखा, मन ही नहीं करता था बाहर निकल के देखने का कुछ भी, बट आजकल इतना हरा भरा हो गया ना, मतलब बाहर ही बैठने का मन करता, पर बाहर भी कैसे बैठे आजकल, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है और आज पूरा दिन हो गया मैं नहाई नहीं हूँ, काम तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैं मतलब लाइट भी नहीं था ना ऊपर से, फिर लाइट भी 12 बजे के टाइम पे आई जैसे मैंने आपको बताया। बाकी चलते हैं नहाते हैं फिर, वैसे तो अब कुछ भी नहीं है, ब्लॉग की एंडिंग मैं सोच रही हूँ यहीं पर कर दूँ, पर मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ, क्या पता कुछ हो, है ना, तो मिलते हैं थोड़ी देर। नहाकर आई हूँ और अभी मैंने सर नहीं धोया, ऑयल करा है बस, और पहले मैं नहाने वाली थी पर मम्मी ने मुझे अचानक बोल दी कि मक्की की रोटी बनाओ, तो फिर मक्की की रोटी तो चूल्हे पे बनती है, तो मैंने बोला नहाकर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पसीने से ऐसे ही नहा लूँगी, तो मैंने बोला पहले मक्की की रोटी बना लेते हैं, सबको डिनर देते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे तो तसल्ली से नहा लूँगी, तो इसलिए मैं अभी नहाई हूँ और सभी अपने अपने कमरे में चले गए, डिनर कर लिया है सब ने। और बाकी आज का जो ब्लॉग बनाने का रीज़न है वो यही था कि मुझे आप सभी को बताना था कि कल मंडे को लेंटर लगने वाला है, पर ये तो नहीं बोल सकती कि आप लोग भी आ जाओ, पर कहाँ कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग, पर आप लोग भी मेरे फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, बड़ी फैमिली तो नहीं छोटी सी फैमिली है, पर ये भी ज़रूरी है बताना भी, तो इसलिए मैंने यही रीज़न था कि आज मेरा ब्लॉग बनाने का, बाकी कल पे डिपेंड करता है, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊँगी नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि कल नहीं पता क्या क्या होने वाला है, कल का बात कल पे छोड़ देते। बाकी अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, वैसे तो मैं रोज़ हमेशा बोलती हूँ बट आप लोग नहीं करते हो, बाकी अगर अच्छा लगा होगा तो यार कर ही लेना, अगर नहीं लगा होगा तो कमेंट में बता देना कि क्यों नहीं लगा अच्छा। बाकी कल मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांग